हेलो गाइस, तो दोस्तों मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल BRB फोटो एंड वीडियो। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ नया नया वीडियो लाता रहता हूं, तो आज दोस्तों एक नया वीडियो लाया हूं जिसके ग्रीन स्क्रीन वीडियो को किस तरीके से बैकग्राउंड में बना सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई हमारी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कैन मैस्ट एप्लिक्स पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, 16:9 के रेजुलेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मीडिया ब्राउजर पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं आपको एक बैकग्राउंड में इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ से जल्दी से एक बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कोई सी भी मेरे पास रहेगा। अगर आपके पास कोई और कलर का रहता है तो वो बैकग्राउंड इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन गाइस मैं यहाँ पर है जो ये वाला बैकग्राउंड वीडियो है, मैं दूसरा है जो फोटो वो सेलेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो नए नए आते रहते हैं हमारे चैनल पर, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक इमेज को ढूंढ के उसे सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे कि ये वाला इमेज है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी लेंथ को है जो बढ़ा देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, बैग आ जाएंगे और इसकी लेंथ को है जो बढ़ा देंगे। जितना आप वीडियो बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लेंथ को बढ़ा देना है। लेंथ को बढ़ाने के बाद में आपको क्या करना है, एक वाटर वाला है जो वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और ये वाला एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है इसको है जो हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, सिलेक्ट स्क्रीन करेंगे और यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। देन गाइस यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रोमा की, इसको इनेबल कर देंगे। अब दोस्तों जो ग्रीन था पीछे की ओर बैकग्राउंड में वो है जो रिमूव हो गया है, तो आपको कुछ इस तरीके से सेटिंग कर लेना है, ग्रीन कलर दिखना नहीं चाहिए। और देन यहाँ पर इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद में क्या करना है, इसकी भी जो बैकग्राउंड में हमने फोटो लगाया था उसकी लेंथ को है जो आपको कम बढ़ा देना है। तो मैं पहले इसको जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ पर इसकी लेंथ को है जो फुल कर देते हैं। यहाँ पर बैक आएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कर देना है फुल, ठीक है। तो यहाँ पर करने के बाद लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ PNG फोटोज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये वाले वोट वाला PNG फोटो है, इस पर मैं पहले भी वीडियो लाया चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों वो वीडियो लगभग 2-3 लाख प्लस हैं, तो आप है जो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, तो उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वोट को है जो इस साइड में ले आएंगे। इस साइड में लाने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा और कर देंगे सही से रोटेड और यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ पर लाने के बाद में साबी का आइकन दिख रहा है, वहाँ पर आप टैप करेंगे। तो पहले इसकी लेंथ को है जो कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद साबी का आइकन क्लिक करेंगे और एंड सोर्स पर आप है जो टिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद में वापस से है जो वोट वाला है इसको खींच के आपको इस साइड में ले आना है। तो मैं यहाँ जो इस साइड में खींच के इसको ले आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस साइड में जो इसे राइट साइड से खींच के लेफ्ट साइड में आपको है जो मूव कर देना है। तो यहाँ पर मैं ले आता हूँ और यहाँ पर है जो इस साइड में लगा देंगे। लगाने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही ये पिक्चर एंड होती है तो दूसरी लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ से दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये बर्तक वाली है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी लेंथ को भी कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से बढ़ा देना है और फिर है जो वापस से लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ से सेम प्रोसेसिंग करेंगे, साबी का आइकन क्लिक करेंगे और यहाँ से खींच के इसको भी है जो इस तरीके से ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको टैग कर देना है, मूव कर देना है लेफ्ट साइड में और यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। जब दोस्तों आपका ये बैकग्राउंड वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा तो आप इसमें है जो आराम से अपनी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके आप अच्छा अच्छा एक शानदार वीडियो अपना बना सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर आप हमारी देखना चाहते हैं वो भी मुझे है जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर साबी का आइकन क्लिक करेंगे वापस से और यहाँ पर आपको आ जाना है एंड पोजीशन पर। सेम प्रोसेसिंग आपको यहाँ पर भी करना है और आपको यहाँ पर ले आना है, ठीक है। तो देन मैं यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ से खींच के आपको कुछ इस तरीके से मूव कर देना है। तो यहाँ पर मैं है जो इसको भी इस साइड में ले आता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और अब हमारी वीडियो है जो बनकर हो चुकी है रेडी। तो थोड़ा सा मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों हमें इसमें एक और वीडियो को ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे और एक है जो वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर है जो इस वीडियो को पोज कर देता हूँ और यहाँ पर हम वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। तो लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ से है जो नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट।
देन आपको यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर है जो हम ग्रीन स्क्रीन वीडियो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और उसकी है जो यहाँ पर ये वाला वीडियो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके इसकी बैकग्राउंड है इसको है जो हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे, पहले इसको फिल कर देंगे और फिर नीचे के और क्रोमा की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देंगे। अब दोस्तों ये फ्लेवर्स हैं इसको है जो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट करने के लिए आपको है जो यहाँ पर पहले सिलेक्ट स्क्रीन को बंद कर देंगे ताकि सिलेक्ट स्क्रीन किया हुआ है जो मूव नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे इसको फुल स्क्रीन इस तरीके से करेंगे और नीचे की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको है जो सेट कर देंगे। सेट करके यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा सा डुप्लीकेट करेंगे थ्री डॉट पर क्लिक करके, और जितना आपकी वीडियो है उस हिसाब से आप डुप्लीकेट करते रहिए और उस हिसाब से सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो है जो लगभग बनकर हो चुकी है रेडी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो नए नए हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ किसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।